Good morning, students. I am Sonia Saini, your SS teacher, and today we will study our fourth chapter in history in class 8. And the chapter name is Tribals, Bhikkhus, and the Vision of Golden Age. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ट्राइबल्स के बारे में, वो लोग जो फॉरेस्ट में रहते थे, इनकी लाइफस्टाइल के बारे में, और उन रिवोल्ट्स को डिस्कस करेंगे जिन्हें इन्होंने किया था अगेंस्ट द भिक्कूज. अब ये भिक्कूज कौन थे? भिक्कूज वो लोग थे जो आउटसाइडर्स थे, मीन्स बाहर से आकर इनकी लैंड पर कंट्रोल करते थे, जैसे ब्रिटिशर्स और मनी लैंडर्स. एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्राइबल्स थे काफ़ी परेशान हो गए थे इन भिक्कूज से, काफ़ी रिवोल्ट्स किए इन्होंने, तो अब ये अपने उस सुनहरे युग की इमेजिनेशन करते थे कि हम पहले कितने अच्छे से रहते थे, काश फिर से ऐसे हो पाए. तो आइए जानते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हम आज के चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. एंड द फर्स्ट टॉपिक इज हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्राइबल्स ग्रुप्स थे डिफरेंट जो फॉरेस्ट में रहते थे, ये कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करते थे. सम वर झूम कल्टीवेटर्स, तो उनमें से जो कुछ ग्रुप्स थे वो झूम कल्टीवेटर्स थे, मींस शिफ्टिंग कल्टीवेशंस पे डिपेंड रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर खेती करने के लिए घूमते रहते थे. सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स, और उनमें से जो कुछ ग्रुप्स थे वो हंटर्स और गैदरर्स थे, जो फॉरेस्ट में जाकर एनिमल्स हंट करते थे और वहाँ पे इन्हें जो भी प्रोडक्ट्स मिलता था उसे कलेक्ट कर लेते थे. सम हर्डेड एनिमल्स, और कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जो एनिमल्स को हर्ड करते थे, उन्हें रियर करते थे. एंड सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन, इनके अलावा कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जो सेटल्ड कल्टीवेशन भी करते थे, मीन्स एक ही जगह पर रहकर एक ही लैंड पर खेती करना. हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल लाइव्स, तो अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो कॉलोनियल रूल है, जब ब्रिटिशर्स ने अपना रूल करना स्टार्ट किया इन ट्राइबल्स पर, तो इनकी जो लाइफ थी वो कैसे अफेक्ट हुई. व्हाट हैपन टू द ट्राइबल चीफ, ट्राइबल चीफ्स मीन्स जो इनके मुखिया होते थे, उन पर क्या असर पड़ा, क्या इफेक्ट हुआ. व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, और जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे जो खेती करते थे एक जगह से दूसरी जगह, उन पर क्या इफेक्ट हुआ. फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, और जो फॉरेस्ट लॉज ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे, उन लॉज का ये जो ट्राइबल्स थे इनकी लाइफ पर क्या इफेक्ट हुआ. प्रॉब्लम विद द ट्रेड, अब ये जो ट्राइबल्स थे इनकी अपनी मार्केट होती थी जहाँ पे ये ट्रेड करते थे, वहाँ पे इन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी. द सर्च फॉर द वर्क, अब काम की तलाश में ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तब इन्हें क्या परेशानी हुई. अ क्लोजर लुक, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो भी रिवोल्ट्स हुई हैं अलग अलग टाइम पीरियड में, वो कहाँ कहाँ हुई और किस टाइम हुई, और बिरसा मुंडा के बारे में, इन्होंने जो रिवोल्ट की वो कैसे की और इनका मोटिव क्या था उस रिवोल्ट को करने का. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर. इन 1895 अ मैन नेम्ड बिरसा हु वाज बोर्न इन मुंडा ट्राइब स्टार्टेड गेनिंग पॉपुलैरिटी. तो ये जो इमेज में आपको पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ये बिरसा मुंडा हैं जो मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते हैं. 1895 में इन्होंने पॉपुलैरिटी गेन करना स्टार्ट कर दिया, मीन्स ये अपने ट्राइब्स में, अपने ग्रुप्स में काफ़ी फेमस होने लगे थे. और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे छोटा नागपुर विलेज से. द ट्राइबल पीपल थॉट दैट ही हैड मैजिकल पावर्स सो ही कुड क्योर डिजीज एंड मल्टीप्लाई ग्रेन्स. तो इनके जो ग्रुप के पीपल थे वो क्या सोचते थे कि इनके पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं जिससे ये किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं और किसी भी क्रॉप्स को कई गुना तक कर सकते हैं. ही वॉज ऑल्सो फेमस अमंग द अदर ट्राइब्स, और जो दूसरी ट्राइब्स थी जैसे संथाल्स एंड ओरियंस, ये उनमें भी फेमस थे. एंड द बिरसा डिक्लेयर दैट ही वुड सेफ गार्ड द ट्राइबल्स फ्रॉम द डेकूज, और बिरसा ने क्या डिक्लेयर किया कि जो ट्राइबल्स हैं उन्हें डेकूज से प्रोटेक्ट करेंगे, सेफ गार्ड करेंगे. क्योंकि जो डेकूज थे ये क्या करते थे, ये बाहर से आने वाले लोग थे जैसे ब्रिटिशर्स, मनी लैंडर्स, ये इनकी लैंड पर कंट्रोल कर लेते थे और बिरसाज को एज अ स्लेव ट्रीट किया जाता था. तो अब इन्हें लग रहा था, इन ग्रुप के लोगों को लग रहा था कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, मिशनरीज हैं, ये इन पर अपना कंट्रोल कर रही हैं, तो जिससे ये अपने रिलीजन को खो देंगे, इनका रिलीजन डेंजर में आ गया है, इनकी जो ट्रेडिशंस हैं वो भी डेंजर में आ गए हैं,
क्योंकि वो इनके लाइफस्टाइल को पूरी तरह से चेंज करना चाहते थे, इन्हें एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल देना चाहते थे। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, हाउ डिड ट्राइबल्स ग्रुप लिव। ये जो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप से जो फॉरेस्ट में रहते थे, ये अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करते थे। सम वर झूम कल्टिवेटर्स, तो उनमें से जो कुछ लोग थे वो झूम कल्टिवेटर्स थे, मीन्स शिफ्टिंग कल्टिवेशन में यकीन रखते थे। एंड प्रैक्टिस इन द हिली एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, ये जो मैंने एरिया सर्किल किया हुआ है मैप में, ये नॉर्थ ईस्ट के हिली एरियाज में शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे, और इंडिया के सेंट्रल पार्ट में ये कल्टिवेशन की जाती थी। तो ये खेती कैसे करते थे, ये इमेज देखिए आप यहाँ पे, इसमें कुछ जो लैंड का पोर्शन है आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, और दूसरे पार्ट में आपको ग्रीनरी दिखाई दे रही है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लैंड के कुछ हिस्से को क्लियर कर लिया वहाँ पे खेती करने के लिए। और ये इन्होंने क्लियर कैसे किया, वो जो शर्ब्स थी, जो भी घास फूस थी, उनमें आग लगा दी, जिससे कि वो लैंड क्लियर हो गई। तो इनका खेती करने का यही स्टाइल था, ये थोड़े से पोर्शन को क्लियर किया, वहाँ पे खेती की, और नेक्स्ट टाइम जब भी इन्हें कल्टीवेशन या खेती करनी होती थी तो दूसरे पोर्शन को क्लियर किया, फिर दूसरे पोर्शन को, मीन्स ये शिफ्ट करते रहते थे एक लैंड से दूसरी लैंड पर। नेक्स्ट इज हंटर्स एंड गैदरर्स, तो कुछ जो ट्राइबल्स ग्रुप्स थे वो हंटर्स और गैदरर्स थे। तो उनमें से जो कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे खॉन ग्रुप्स हैं, ये उड़ीसा से बिलोंग करता था, बेगाल्स ग्रुप है, ये सेंट्रल इंडिया से बिलोंग करते थे। अब ये लोग क्या करते थे, दे यूज टू हंट कलेक्टिवली, ये जब भी फॉरेस्ट में जाते थे ग्रुप्स में जाते थे, और वहाँ पर जब भी एनिमल को हंट करते, इन्हें जो भी मीट मिलता और भी प्रोडक्ट्स मिलते बहुत सारे, उन्हें कलेक्ट करके आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। गैदर फ्रूट्स एंड रूट्स, तो और फॉरेस्ट में इन्हें बहुत सारे फ्रूट्स और रूट्स भी मिलते थे जिन्हें ये इकट्ठा कर लेते थे। यूज शर्ब्स फॉर द मेडिसिनल पर्पज़, अब फॉरेस्ट में बहुत सारी शर्ब्स होती हैं जिनका ये यूज़ मेडिकल पर्पज़ के लिए, औषधियाँ बनाने के लिए यूज़ करते थे। सॉल्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन लोकल मार्केट्स, अब फॉरेस्ट में इन्हें जो भी प्रोडक्ट्स मिल रहे थे उन्हें ये कहाँ बेचते थे, इनकी अपनी भी एक लोकल मार्केट होती थी, वहाँ पे ये उन्हें सोल्ड कर देते थे। सम लोकल वीवर्स डिपेंडेड ऑन ट्राइब्स फॉर कुसुम फ्लावर्स विच वर यूज्ड एज अ डाई, तो इसमें क्या होता था कि जो कुसुम फ्लावर्स थे, ये जो ट्राइब्स के लोग थे फॉरेस्ट से इकट्ठा करके लाते थे, और जो लोकल वीवर्स थे ये ट्राइब्स पर डिपेंड रहते थे इन फ्लावर्स के लिए। इन फ्लावर्स का यूज़ कैसे किया जाता था, एज अ डाई, मीन्स जो क्लोथ्स हैं उन्हें कलर करने के लिए इन फ्लावर्स का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट जो ग्रुप है हमारा वो है एनिमल हर्डर्स, मीन्स ये एनिमल्स को हर्ड करते थे, रियर करते थे, इन्हें पालते थे। इसमें ये लोग क्या करते थे कि लैंड है एक पोर्शन, वहाँ पे एनिमल्स से ग्रेजिंग करवाई, लैंड क्लियर हो गई उसकी ग्रास, तो अब फिर दूसरी लैंड पर शिफ्ट हो जाते थे। तो ये एक जगह से दूसरी जगह एनिमल्स को अपने साथ लेकर घूमते रहते थे। तो इनमें से कुछ ट्राइब्स ग्रुप से, जैसे वन गुजर्स हैं, ये पंजाब से बिलोंग करते थे, लबारियाज हैं, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, और जो गधीज हैं ये कुल्लू से बिलोंग करते थे, और जो बकरवाल हैं, जो बकरियां चराते थे, ये कश्मीर से बिलोंग करते थे। सम टुक टू सेटल्ड कल्टिवेशंस, और कुछ ट्राइबल्स ग्रुप्स ऐसे थे जो सेटल्ड कल्टीवेशन करते थे, मींस एक ही लैंड पर रहकर उसे क्लीन किया और वहीं खेती करते थे। तो अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप्स, जैसे जो एनिमल हर्डर्स वाले ग्रुप हैं और हंटर गैदर्स वाले ग्रुप हैं और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाले ग्रुप हैं, उनके कंपेरिजन में ये जो सेटल्ड कल्टीवेशन वाला जो ट्राइबल्स ग्रुप था ये उन्हें काफ़ी पसंद था और इन्हें वो सिविलाइज्ड मानते थे, और जो एनिमल हंटर्स थे गैदरर्स थे इन्हें वो वाइल्ड और क्रूल मानते थे। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स, जो ब्रिटिशर्स थे उनके टाइम पीरियड में अब जो ट्राइबल्स थे इनकी लाइफ कैसे अफेक्ट की। इसमें हम डिस्कस करेंगे अफेक्ट ऑन द ट्राइबल चीफ, जो उनके मुखिया होते थे उस ट्राइबल जनजाति के, उन पर क्या प्रभाव पड़ा। अफेक्ट ऑन द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो लोग कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर वो खेती कर रहे थे, उस पर क्या इफेक्ट हुआ। अफेक्ट ऑन द फॉरेस्ट लॉज, वो लॉज जिन्हें ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था
जिन्हें ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया, उन लॉज का जो ट्राइबल्स की लाइफ है उन पर क्या इफेक्ट हुआ, पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम विद ट्रेड, अब जहाँ पे ये जो ट्राइबल्स थे ये ट्रेड करते थे, ये जो भी प्रोडक्ट्स होते थे इनके, तो इनमें उन्हें भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस की, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। एंड द सर्च फॉर वर्क, अब काम की तलाश में जब इन्हें इधर उधर भटकना पड़ रहा था तब इन्हें क्या प्रॉब्लम फेस हुई, वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट हैपेंड टू द ट्राइबल चीफ, जो ट्राइबल चीफ थे, ये जो पूरी ट्राइबल जनजाति थी, इनके चीफ जो मुखिया होते थे उन पर क्या इफेक्ट हुआ। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो पूरी पावर होती थी उन समुदाय के लोगों की, वो ट्राइबल चीफ के पास होती थी। तो अब ब्रिटिशर्स आ गए तो उन्होंने अपनी पावर खो दी, दे लॉस देयर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल। अब ब्रिटिशर्स ने वहाँ के पूरे सिस्टम को एडमिनिस्टर करना स्टार्ट कर दिया था, तो जो ट्राइबल चीफ थे इन्होंने अपना कंट्रोल भी खो दिया। डिसिप्लिन वॉज फॉरेस्ट अपॉन द ट्राइबल ग्रुप, अब ट्राइबल जो ग्रुप्स थे इनकी लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश की जा रही थी, इन्हें एक डिसिप्लिन लाइफ में रहना सिखाया जा रहा था, और जो इन्हें फोर्सफुली करना पड़ रहा था, तो इन्हें ऐसे लग रहा था कि जो इनके कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उन्हें बदला जा रहा है, वो डेंजर में है। दे हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिशर्स, और जो ट्राइबल चीफ्स होते थे पहले तो ये खुद ही पावर में थे, खुद ही सब कुछ कंट्रोल करते थे, अब पावर किसके पास आ गई थी, ब्रिटिशर्स के पास आ गई थी, तो अब इन्हें ब्रिटिशर्स को ट्रिब्यूट पे करनी पड़ती थी, रिस्पेक्ट देनी पड़ती थी, और इन्हें काफ़ी अच्छे अच्छे तोहफे देने पड़ते थे। व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टिवेशंस, अब शिफ्टिंग कल्टिवेशंस में क्या हुआ था, जो ऐसे घूम घूम कर खेती करते थे एक जगह से दूसरी जगह, ये ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, वो चाहते थे कि ये जो कल्टिवेटर्स हैं एक ही लैंड पर रहकर खेती करें, ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं इन्हें अच्छे से कंट्रोल कर सकें। तो अब इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे रूल बनाए, तो लैंड के एक पर्टिकुलर पोर्शन को मेजर किया और उसको डिवाइड करके सबको दे दिया, और कुछ को उसमें ऑनर बना दिया, और जो बाकी थे उस लैंड पर एज अ वर्कर काम करते थे, और उन्हें उस लैंड के जो ऑनर होते थे उन्हें पेमेंट करनी होती थी। तो अब इसमें क्या हुआ, जब उन्होंने लैंड को डिवाइड कर दिया सभी में, तो कुछ के हिस्से में ऐसी लैंड आती थी कि जो फर्टाइल नहीं होती थी, बिल्कुल ड्राई होती थी, जैसे इस पिक्चर में दिखाई दे रही है आपको, और कई जगहों पर पानी की कमी होती थी, वाटर शॉर्टेज होती थी, तो जो ट्राइबल्स जो ग्रुप थे कुछ जिनके पास इस तरह की लैंड आती थी वो परेशान हो गए थे। उन्होंने इंसिस्ट किया, झूम कल्टिवेटर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंसिस्टेड ऑन द शिफ्टिंग कल्टिवेशन, उन्होंने कहा ब्रिटिशर्स को कि हमें इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम इस तरह से खेती नहीं कर पाएंगे, अगर हम खेती ही नहीं कर पाएंगे तो हम आपको जो आपका रिवेन्यू है, जो भी रेंट होता है एक पर्टिकुलर लैंड पे खेती करने के लिए, वो कैसे पे करेंगे। तब ब्रिटिशर्स ने उनकी बात मानी और नॉर्थ ईस्ट में उन्हें शिफ्टिंग कल्टिवेशन करने के लिए परमिशन दे दी। फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, तो अब तक हमने क्या देखा, हमने यही डिस्कस किया है कि जो ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं उनकी जो लाइफ है वो किस से रिलेटेड है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है। तो अब ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉज में भी कुछ चेंजेस कर दिए जिससे उनकी लाइफस्टाइल पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो सारे फॉरेस्ट थे इन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया और इन्हें अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, और अब वहाँ पर ट्राइब्स वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, और जो ट्राइब्स थे जो ग्रुप थे इनके, इनको वहाँ पर आज़ाद आराम से घूमने की परमिशन नहीं थी, ये वहाँ नहीं आ सकते थे। दे कुड नॉट कलेक्ट फ्रूट्स, जब ये वहाँ आ ही नहीं सकते तो अब इन्हें वहाँ पर आकर के फ्रूट्स इकट्ठा करने की भी परमिशन नहीं थी। एनिमल हंटिंग वॉज बैंड, और जो एनिमल हंटिंग थी, एनिमल्स को किल करना, वो भी इन्होंने बैन कर दिया था कि अब वहाँ पर कोई भी शिकार नहीं करेगा। दे वर नॉट अलाउड टू कट वुड, और अब इन्हें जंगल से वुड काटने की भी परमिशन नहीं थी। ये परमिशन क्यों नहीं थी लकड़ियाँ काटने की जंगल से, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो खुद इन्हें ट्रेड करना चाहते थे बाहर। तो अब ब्रिटिशर्स को क्या प्रॉब्लम फेस हुई कि उन्होंने इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी ट्राइब्स पर, है ना, इनकी जनजातियों पर इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, तो अब ये उस एरिया के आसपास नहीं आ रहे थे, तो जिसकी वजह से इनके पास वर्कर की कमी हो गई, क्योंकि इन्हें जो वुड्स होती थी ये कट करने के लिए, इन्हें सैंड करने के लिए दूसरे एरिया में वर्कर की ज़रूरत होती थी।
तो इन्होंने क्या किया कि ज़मीन का कुछ हिस्सा इन्होंने इन ट्राइबल्स ग्रुप्स को दे दिया और कहा कि आप यहाँ पे खेती कीजिए, आपको जो जैसी खेती करनी है आप कीजिए, लेकिन कंडीशन इन्होंने ये रखी कि जो इनका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ पर इन्हें एज अ वर्कर काम भी करना पड़ेगा। तो अब इन सब चीज़ों से परेशान हो गए कि इन्हें शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करने दी जाएगी, जो इनका फॉरेस्ट है, इनका घर होता था उसमें भी ब्रिटिशर्स ने अपना उसको अपने लिए रिज़र्व कर लिया। तो इन सब से परेशान होकर जो सोंगराम संगमा थे इन्होंने रिवोल्ट किया आसाम में 906 में। तो ये जो रेड एरिया दिखाई दे रहा है आपको इस पिक्चर में, इस एरिया में ये रिवोल्ट हुई थी। अब नेक्स्ट है प्रॉब्लम विद ट्रेड, कि ट्रेड में क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी। आज जो झारखंड में हजारीबाग है वहाँ के जो आसपास के जो रहने वाले पीपल थे वो संथाल्स जो ग्रुप था वो क्या करते थे, वो रेशम जो सिल्क होती है उसके कुकून्स को रियर करते थे और जो मनी लैंडर्स होते थे ये क्या करते थे, अपने एजेंट को भेज करके उनसे वो कुकून्स कलेक्ट करवा लेते थे और उन्हें अमाउंट पे कर देते थे। तो अभी जो रेशम के कुकून्स हैं इनकी डिमांड इतनी क्यों थी, क्योंकि जो हमारे इंडिया में उस टाइम जो सिल्क प्रोड्यूस हो रहा था, सिल्क क्लॉथ प्रोड्यूस हो रहा था, उसकी डिमांड यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा थी। और ये एजेंट क्या करते थे इन ट्राइबल्स ग्रुप से, तो सारा मटेरियल काफ़ी लो प्राइस में परचेज़ कर लेते थे और ऊपर से जब इन्हें लोन देते तो वो काफ़ी हाई रेट पे देते, तो जिससे ये काफ़ी स्ट्रेस में आ गए थे ट्राइब्स। और इन्हें रियलाइज़ हुआ कि हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं और फिर भी हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है हाथ में। तो अब ये जब भी जाते मार्केट में तो ये मनी लैंडर्स को और जो ट्रेडर्स थे उस मार्केट में एज अ एनिमी देखते, ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। एंड द सर्च फॉर द वर्क, अब काम की तलाश में ये जो ट्राइब्स थे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, जिससे जो इनकी कंडीशन थी वो और भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो कुछ जो ग्रुप्स हैं उन्हें जो आसाम में टी प्लांटेशन में काम करना पड़ रहा था, कुछ को कोयल माइंस में काम करना पड़ रहा था, तो इनकी जो काम करने की कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा पुअर थी, क्योंकि कोयल माइंस में काम करना कोई आसान बात नहीं है। वहाँ पर काम करने के लिए आपको काफ़ी नीचे जाना पड़ता है जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है और काफ़ी हजार्डस कंडीशंस होती हैं। तो अब जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे वो क्या करते थे, इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते थे और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक तो इन्हें कम लो वेजेस दिए जाते थे और इन्हें दूसरा इन्हें घर भी वापस नहीं जाने दिया जाता था। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी जो कॉलोनियल रूल्स हैं ट्राइबल्स लाइफ में इफ़ेक्ट हो रही थी और इतनी सारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ रही थी। अ क्लोज़र लुक, इसमें हम देखते हैं कि जो ट्राइबल्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ रिवोल्ट्स किए थे और वो रिवोल्ट्स किन किन ग्रुप्स ने कब कब किए थे। तो जो कोल्स ग्रुप्स थे इन्होंने 1831 से 32 तक रिवोल्ट्स किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, क्योंकि ये भी काफ़ी परेशान हो गए थे कि कैसे इन्होंने एक तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन रोक दी, ऊपर से इन्होंने फॉरेस्ट में नए नए लॉ इम्प्लीमेंट्स कर दिए। तो ऐसे ही संथाल्स ग्रुप ने 1855 में रिवोल्ट किया और वर्ली ग्रुप जो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है इन्होंने रिवोल्ट किया 1940 में। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे बिरसा मुंडा के बारे में। इनका जो जन्म है ये हुआ था 1870 में। हर्ड द टेल ऑफ मुंडाज अपराइजिंग, जब ये छोटे थे जब बड़े हो रहे थे उस बीच में इन्होंने मुंडा अपराइजिंग की काफ़ी स्टोरी सुनी थी कि जैसे काफ़ी सालों पहले जब उन पर अत्याचार हो रहा था तो कैसे मुंडाज ने अपनी वॉइस उनके अगेंस्ट रेज की थी और ये चाहते थे कि आज भी जैसे जो ब्रिटिशर्स हैं हमारे साथ जो कर रहे हैं हमें भी अपनी वॉइस रेज करनी चाहिए। टेल्स ऑफ गोल्डन एज, इन्होंने इस अब जो इनका जो स्वर्णिम युग था, जो सुनहरा युग था, जिसके इनके जो पूर्वज हैं घर में वो बातें करते थे कि पहले हम ट्राइब्स के लोग काफ़ी अच्छे से रहते थे, खुश रहते थे, ये चाहते थे कि अब ऐसा ही एक तो गोल्डन एज है ये जल्दी से आ जाए। एट मिशनरी स्कूल हर्ड दैट मुंडाज कुड रिगेन राइट्स, एक मिशनरी स्कूल में इन्होंने सुना कि जो मुंडाज हैं वो वापस से अपने राइट्स पा सकते हैं। ही टर्न अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स, तो इन सब चीज़ों से इंस्पायर होकर के इन्होंने रिवोल्ट किया लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, मीन्स जो बाहर से आकर
इनकी ज़मीन अपने कंट्रोल में ले रहे थे और इनकी ज़मीन तो ले ही रहे थे, ऊपर से इन्हें एज अ स्लेव ट्रीट करते थे। इन 1895 अर्ज मुंडाज टू रिकवर द ग्लोरियस पास्ट, और 1895 में मुंडाज ने अपने ट्राइब्स के लोगों से अर्ज किया कि जो हमारा पास्ट है ग्लोरियस पास्ट, हम उसे फिर से वो वापस लाएंगे। ही वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश हिज ओन राज, अब ये चाहते थे कि जैसे गोल्डन एज में इनका राज था, ये अपनी मर्जी से फॉरेस्ट में रहते थे, जो इनका लाइफस्टाइल था ये अब सब चीज़ों को वैसे ही चाहते थे। ये चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो वापस चले जाएं और जो मनी लैंडर्स हैं वो हमारे एरिया में ना आए, सिर्फ हमारा अपना राज हो। ही वॉन्टेड टू कीप मिशनरीज, जो मिशनरीज थी ये इन्हें रखना चाहते थे, इनके थॉट्स काफ़ी अच्छे होते थे, इन्हें पसंद थे। एंड लैंडलॉर्ड्स आउट ऑफ हिज रीज़न, तो अपने एरिया से जो लैंडलॉर्ड्स हैं ये उन्हें बाहर कर देना चाहते थे, क्योंकि ये क्या करते थे, इनकी जो ज़मीनें होती थी, जो लैंड होती थी, वो इनसे छीन लेते थे और इन्हें स्लेव बना देते थे। तो अब इन सब के अगेंस्ट में क्या हुआ, ये जो सब इतना कुछ कर रहे थे बिरसा मुंडा, दिस वरिड द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स को टेंशन हो गई कि ये सब क्या हो रहा है। ब्रिटिशर्स अरेस्टेड बिरसा इन 1895, और उन्होंने 1895 में बिरसा को अरेस्ट कर लिया, और उन्हें जेल से कब छोड़ा गया, 1897 में। और जब ये बाहर आए जेल से, आफ्टर हिज रिलीज ही स्टार्टेड डेप्सिटिंग द ब्रिटिशर्स एज रावणा एंड अर्ज मुंडाज टू फाइट अगेंस्ट देम, इन्होंने ब्रिटिशर्स को कैसे शो किया एज रावण, कि जो बुरे व्यक्ति था ये ब्रिटिशर्स भी ऐसे ही हैं और हम सबको मिलकर इनके अगेंस्ट फाइट करनी चाहिए। वट हैपन्ड नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या हुआ, मुंडाज डिस्ट्रॉयड चर्चेज एंड पुलिस स्टेशन, रेज्ड अ वाइट फ्लैग, तो इन्होंने अपना एक अलग से वाइट फ्लैग लहराया और जितने भी चर्चेस थे, पुलिस स्टेशन थे, उन्हें डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। बिरसा डाइड इन 900 ड्यू टू कोलरा, और 900 में जो बिरसा जी हैं इनकी डेथ हो गई थी कोलरा की डिजीज से। तो अब हम हैं चैप्टर के एंड पे, सो दिस मूवमेंट केम टू एन एंड, तो जब ये मूवमेंट एंड हो गया, उनकी डेथ हो गई, तो इसमें जो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो सबसे पहले थी इट forced the colonial government to make laws so that the land of the tribals could not be taken away easily by the Dekus. इस मूवमेंट ने ब्रिटिशर्स को ऐसे लॉ बनाने के लिए मजबूर कर दिया, जो Dekus थे वहाँ के, जो ट्राइबल्स थे उनकी लैंड पर अपना कंट्रोल कर लेते थे, कब्जा कर लेते थे, अब वो आसानी से ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, इट शोड द कैपेसिटी ऑफ द ट्राइब्स टू प्रोटेस्ट एंड शो देयर एंगर अगेंस्ट द इनजस्टिस, एंड दे डिड दिस बाय इन्वेंटिंग देयर ओन वे एंड सिंबल्स। अब दूसरी चीज़ क्या थी जो इम्पोर्टेंट थी इस मोमेंट में, ये थी कि जो ट्राइब्स के लोग हैं, जो ट्राइबल्स ग्रुप हैं, इनके पास इतनी कैपेबिलिटी हैं, अगर ये चाहें तो इनजस्टिस के अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, और इन्होंने ऐसा किया भी। ये सब इन्होंने अपने तरीके से, अपने सिंबल से, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर फॉर हिस्ट्री में। आइए देखते हैं आज के चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। हमने क्या क्या डिस्कस किया है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया हाउ डिड ट्राइबल्स ग्रुप लिव, जो जितने भी ट्राइबल्स ग्रुप थे, झूम कल्टीवेटर्स, हंटर एंड गैदरर्स, हर्डेड एनिमल्स एंड सेटल्ड कल्टीवेशंस, ये सब कैसे रहते थे। तो झूम कल्टीवेटर्स के बारे में हमने देखा, ये एक जगह पर खेती नहीं करते थे, एक जगह को क्लियर करते, वहाँ पर खेती करते, फिर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते थे। एंड सम वर हंटर एंड गैदरर, इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि जो पूरा ग्रुप होता था ये इकट्ठा फॉरेस्ट में जाते थे, एनिमल्स को हंट करते थे, और वहाँ पे इन्हें जितने भी प्रोडक्ट्स मिलते थे, फ्रूट्स रूट्स, उन्हें कलेक्ट कर लेते थे। सम हर्डेड एनिमल्स, कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हमने डिस्कस किए जो एनिमल्स हर्ड करते थे, पालते थे, और उन्हीं एनिमल्स के ग्रुप के साथ ही एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। सम टुक टू सेटल कल्टीवेशन, और कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जो एक ही लैंड को क्लियर करके वहीं खेती करते थे, और जो ब्रिटिशर्स थे
वो इन्हें सिविलाइज भी मानते थे। अब हमने डिस्कस किया इसके बाद हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल लाइफ। अब जो कॉलोनियल रूल हैं, जो ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे ट्राइबल्स की लाइफ को, उन पर उसका उन पर क्या इफेक्ट हुआ, व्हाट हैपन टू द ट्राइबल चीफ। इसमें हमने देखा कि पहले जो ट्राइबल चीफ थे वो बहुत पावरफुल थे, उनके पास सारी पावर थी, वही पूरे सिस्टम को एडमिनिस्टर कर रहे थे, उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट थी। लेकिन अब ब्रिटिशर्स के आ जाने से इन्हें ब्रिटिशर्स को ट्रिब्यूट पे करना पड़ रहा था, इनका कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अब नहीं रहा था और ना ही इनके पास कोई पावर थी। व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। ब्रिटिशर्स ने क्या किया इनके साथ, इनको कुछ पैचेस में लैंड डिवाइड कर दी और कुछ को ओनर बना दिया, और जो बाकी पीजेंट्स थे उन्हें ओनर को लैंड का रिवेन्यू पे करना पड़ रहा था। लेकिन कुछ लोगों के हिस्से में ऐसी लैंड आई जो बिल्कुल ड्राई थी और जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो वो खेती नहीं कर पा रहे थे। और फिर जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहाँ पे लोगों को परमिशन मिल गई कि आप अपनी शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हो। फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। इसमें ब्रिटिशर्स ने कैसे लॉ बनाए थे फॉरेस्ट में, कि उन्होंने अब जो फॉरेस्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया, उसे एक रिजर्व एरिया डिक्लेयर कर दिया, और वहाँ पे जो ट्राइबल्स ग्रुप थे इन्हें आने की परमिशन नहीं थी, वहाँ पे इन्हें फ्रूट्स कलेक्ट करने की परमिशन नहीं थी, ना ही इन्हें एनिमल हंट करने की परमिशन थी, और ना ही वो वहाँ से वुड कट कर सकते थे। प्रॉब्लम विद ट्रेड। ट्रेड में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जो मनी लैंडर्स थे वो सिर्फ ये जो ट्राइबल्स ग्रुप थे इनका यूज़ कर रहे थे, हर चीज़ को इनसे कम प्राइस में ले रहे थे, और आगे मार्केट में जो भी यूरोपियन मार्केट होती थी वहाँ पे हाई प्राइस में सेल कर रहे थे, और जो ट्राइबल्स ग्रुप्स को ये लोन दे रहे थे मनी लैंडर, वो भी काफ़ी हाई रेट पे दे रहे थे। सर्च फॉर द वर्क। अब जब ये काम की तलाश में इधर से उधर घूम रहे थे, तो इसमें हमने देखा कई बार इन्हें कोल माइंस में भी काम करना पड़ रहा था, जहाँ पर जो वर्किंग कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा बुरी थी, और कई बार इनसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिए जाते थे कि जिसमें इन्हें कम वेजेस मिलता था, और कई बार तो इन्हें अपने घर भी वापस नहीं जाने दिया जाता था। और क्लोजर लुक, इसमें हमने देखा कुछ रिवॉर्ड्स थी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में इन ट्राइबल्स ग्रुप के द्वारा की गई थी, और लास्ट में हमने बिरसा मुंडा के रोल को देखा कि कैसे इन्होंने एक मूवमेंट को लीड किया, लोगों को मोटिवेट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 4 हिस्ट्री में। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।